हेलो एवरीवन, साइमन धिस्सेड। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल ब्रोकर का क्या रोल होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसे हायर किया जाता है, इनके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। लास्ट वीडियो एक मैंने बनाया था कि इंटरनेशनल एजेंट के बारे में, आप वो वीडियो प्लीज़ देखना। रीजन बिंग तो आपको इंटरनेशनल एजेंट का और इंटरनेशनल ब्रोकर का थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए, एक नॉमिनल सा डिफरेंस है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट मैं ऐसे और वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। एंड स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो इंटरनेशनल ब्रोकर होता है वो यूजुअली पार्ट होता है बड़े बड़े फॉर्म्स के साथ, और उसका जो चैनल्स होता है ना वो लार्ज रिटेल चैनल होता है। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंट के रिगार्डिंग, एजेंट एक इंडिविजुअल काम करता है और एक लिमिटेड एक्सेस होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटरनेशनल ब्रोकर एक लार्ज ब्रोकरेज फॉर्म का पार्ट होता है और वो लार्ज रिटेल चेन्स को बेचता है आपका प्रोडक्ट, रैदर देन छोटे छोटे स्टोर्स के अलावा। अब जो ब्रोकर का होता है, उसमें प्रीवियस वीडियो में बता चुका आपको कि आप प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं वो कमीशन पे। अब आज बात करेंगे सिर्फ ब्रोकर के ऊपर, जो कमीशन फीस जो वो चार्ज करते हैं ब्रोकर। पहले लेते थे 2% के आसपास, अभी आज का रेट ऐसा हुआ है कि 5% से 10% के बीच में ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। एंड स्टिल इट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट क्या है। 5% टू 10% के बीच में इंटरनेशनल ब्रोकर चार्ज कर रहे हैं आजकल। 2% वाले भी मिल जाते हैं, 3% भी मिल जाते हैं, बट उनको आपको देखना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस किस क्वेश्चन से आपकी क्या क्या क्वेरीज क्लियर होने वाली है। तो 5-10% इनका ब्रोकरेज फीस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रोकरेज का एक डिसएडवांटेज होता है, ये मंथली रिटर्नर फीस भी मांगते हैं आपसे, मतलब ऑल काइंड ऑफ खर्चे। जैसे किसी को विजिट करना है, सो एक मंथली आपको बजट मांगेंगे कि हमको पर्सनल कॉल्स करने, उसका इतना एक्सपेंसेस लगेगा, हम इतने इतने विजिट्स करके आएंगे बायर्स के पास, आपका पिच करके आएंगे प्रोडक्ट का, इसका तो इतना खर्चा आता है, तो मंथली आपको बोल सकते हैं। इवन यहाँ पे ऐसे भी आपको इंटरनेशनल ब्रोकरेज की फर्म्स मिल जाएगी या पर्सन्स मिल जाएंगे या जिनका भी टीम होगा, जो आपको 6 से 12 महीने का रिटेनर फीस भी मांग सकते हैं कि हम 6 to 2 months कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं आपके साथ, या तो 6 से 12 महीने का एडवांस फीस मांग सकते हैं। तो ये कभी कभार हमारे लिए एक हायर साइड पे कॉस्ट बढ़ जाती है कि इनके 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस करो, और इवन उसमें भी गारंटी नहीं होती कि वो आपके प्रोडक्ट सेल करेगा ही करेगा। तो जब भी आप इंटरनेशनल ब्रोकर करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके और आपके बीच में का कॉन्ट्रैक्ट कि आप कितना वो करोगे। क्वेश्चंस आएंगे, देखेंगे आने वाले पे। इसके अलावा ये आपको ऑफर कर सकते कि आप को अगर आपके प्रोडक्ट हम अपने रिटेल स्टोर में तो किसी सुपरमार्केट में डालना है, सो ब्रोकर आपको सजेस्ट कर सकता है कि सर आप ऐसे ऑफर निकालो कि बाय वन गेट वन फ्री, फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके लिए आपको बोल सकता कि 10% या 15% डिस्काउंट, ताकि आपके प्रोडक्ट वहाँ पर रिप्रेजेंट हो सके। बट आप सोचो कि ये पहली चीज़ें क्लियर करना, रीजन बिंग ये बाद में अगर आपको ऐसे ऑफर का ऑप्शन दे तो ये एक्सपोर्ट प्राइसिंग में आपको इफेक्ट करेगा। अल्टीमेटली वो 10-15% आपका वो अल्टीमेटली वहीं पे जा रहा है, तो आपके एक्सपोर्ट कॉस्टिंग में आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बहुत चीज़ें देखना पड़ेगी। तुम मतलब उसको पूछना पड़ेगा कि आप क्या इस वे पर रिप्रेजेंट करने वाले। अब इसके अलावा हम देखेंगे इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है, बेनिफिट्स एंड लाइक डिसएडवांटेजेस क्या है इसके इंटरनेशनल ब्रोकर के। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि इसके ना इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत होते हैं। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ ब्रोकर के, एक लार्ज वॉल्यूम पे काम करता है ब्रोकर, और रिटेल चेन्स वगैरह इसके पार्टनर्स बहुत, मतलब बहुत बढ़िया रिलेशनशिप होते हैं उनके, मतलब वॉल्यूम का काम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, वो आपके ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प कर सकते हैं। थर्ड आता है कि इनकी जो ट्रेडिंग टर्म्स होते हैं ना और सर्विसेज बहुत अच्छी होती है। फोर्थ ये होता है कि आपके प्राइसिंग में, आपके प्रॉफिटेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर में इनका हेल्प होता है कि कैसे प्रॉफिटेबल में और आप जा सकते हो, और इसके अलावा नेगोशिएशन कर सकते हैं जो आपके प्रोमोशनल डिस्काउंट्स वगैरह करते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है आपके, या तो स्टोर में कैसे रिप्रेजेंट करना है इसके बारे में आपको बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपको हेल्प करेंगे कि मार्केट रिसर्च का प्राइसिंग मॉडल, और आपको उसमें सपोर्ट करेंगे कि कैसे काम होता है इसमें, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी ब्रांड की जो आपका प्रोडक्ट है उसका ग्रोथ मैनेज करने में हेल्प करते हैं कि मार्केट में कैसे एंटर करवाना है और उसकी ग्रोथ कैसे होगी। इसके अलावा दे आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक। उनका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप अगर किसी कंपनी को हायर करते हो तो अपनी खुद की टीम खड़ी करते हो, या तो आपने कुछ एजेंट्स हायर किए, तो उसके मुकाबले ये कैसे वॉल्यूम का काम लाते हैं और इनकी फीस भी उस हिसाब से चार्ज करते हैं, नो डाउट, और आपके काम का एक बूस्ट मिल जाता है।
अब ये होने के बाद आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक, अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या आते हैं, अगर आप इंटरनेशनल ब्रोकर का हायर कर रहे हो तो ये मल्टीपल ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करता है। इट डजेंट मीन कि इंडिया से आपने इसको हायर किया तो वो किसी और के लिए काम नहीं करेगा। ये हो सकते हैं चांसेस कि वो आपके ही जैसे अदर एक्सपोर्टर को भी सेम प्रोडक्ट के रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मल्टीपल ब्रांड्स के डिसएडवांटेज होता है। एंड जब वो आपको अपफ्रंट पेमेंट मांगता है ना, तो इसमें गारंटी तो होती नहीं, मैंने पहले बता चुका कि देर इज़ नो गारंटी कि वो आपको ऑर्डर ला ही लाएगा। बट वो आपके एक्सपेंसेस हो गए जो आपके ऐड होने वाले हैं, जो आप फ्रंट पेमेंट मांगेगा वो आपको, है ना। इसके अलावा क्या होता है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और आप उस लॉकिंग पीरियड में फंस गए, लाइक 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1 साल का हो गया। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे ना, देन आपको वो कॉस्ट लीगली आपको पे करना पड़ता है। सो यू हैव टू पे देयर एक्सपेंसेस जो भी आपने डिसाइड कर चुका है, बेचे ना बेचे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे 6 महीने का साल का, तो आपको उनको यू हैव टू पे देम। तो इस चीज़ को बचना है आपको, ठीक है। अब इनकी प्रायोरिटी क्या होती है, बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रायोरिटी होती है क्योंकि वहाँ पे उनका प्रॉफिट मार्जिन, कमीशन मार्जिन बहुत अच्छा निकलता है रादर देन छोटे छोटे ब्रांड्स। तो एक इनका एक डिसएडवांटेज है। उसके वाला ब्रांड का मैसेज ये कन्विंस तो करते हैं, बट आप जितना आप पर्सनल लेवल पे क्लाइंट को बता सकते हो ना कि ये डिसएडवांटेजेस है मेरे प्रोडक्ट का, ये ऐसी स्ट्रेंथ है, ये ऐसा है वैसा है, ये आपको सिर्फ वो बता देंगे दैट आई एम हैविंग अ सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो ये इतना फोकस नहीं कर पाएंगे आपके बिहाफ पे, मतलब एज कम्पेयर टू यू। और बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं ना, वो ज़्यादातर ना आपको एक्सक्लूसिविटी दिखाते हैं, मतलब आपको एक्सपेंसेस वगैरह सारा बियर वो चीज़ें होती है। तो अगर आपको इंटरनेशनल ब्रोकर हायर करना है ना, तो उसका वेज ऑफ फाइंडिंग ब्रोकर इज डिफरेंट। वो मेरे सेशन का पार्ट है, मैं सिखाता हूँ वो चीज़ें बहुत बढ़िया लेवल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है वो। अब जब भी आपको इंटरनेशनल ब्रोकर हायर करना है, तो आपको सबसे पहले उसको एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। सो कुछ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है कि सिमिलर प्रोडक्ट के साथ। सपोज करो आप बॉटल बेच रहे हो, ये बॉटल है, तो ये बॉटल का आपको प्रोडक्ट है, ये बॉटल बेचने में उसको कितना साल का एक्सपीरियंस है, पहला पॉइंट उसको पूछना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज योर मार्केटिंग एंड मार्केटिंग की आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप कैसे बेचने वाले हो। सी अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू हायर, तो ऐसा ना हो ना कि जो आप बेसिक चीज़ें यूज करते हैं मार्केटिंग में, तो वो भी वही चीज़ यूज कर रहा है। इट्स ऑलवेज बेटर ऑप्शन कि आप पूछो कि आप ऐसे नया क्या करने वाले हो। ये सेकेंड उसको ये कि आपका एक्सपीरियंसेस प्लस कितने टाइम से आप ब्रोकरेज के ही फील्ड में काम कर रहे हो। उसके अलावा सक्सेस विथ अदर क्लाइंट्स, है ना, कि आपने आज तक कितने लोगों को सक्सेस रेशो करके दिया, क्या क्या क्लाइंट के क्या प्रोडक्ट्स है और सक्सेस रेशो क्या है। इसके अलावा आप ये पूछो कि अगर आपके जैसे ही कोई से और एक्सपोर्टर आपको सेम प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप किसका काम सबसे पहले करने वाले हो, क्योंकि होता ना कि जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिखा कि तो उनके प्रोडक्ट वो जल्दी रिप्रेजेंट करता, तो ये पूछना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये पूछ सकते हो कि आपका जियोग्राफिकल कवरेज कितना है, आप कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एंड मेन क्वेश्चन आता है कि उनके राय पूछो कि आपको प्रोजेक्शन क्या है कि ये प्रोडक्ट कितने टाइम में आप सेल वगैरह करके दे सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको इंटरनेशनल ब्रोकर हायर करने के टाइम, और आई होप कुछ समझ आया होगा। अगर किसी को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ज्वाइन करना है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर